हेलो दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड 10-12 के बच्चों के लिए दोस्तों आप लोग के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के सामने आ रही है। ऑफिशियली दोस्तों सीबीएसई बोर्ड की तरफ से आपका वेरिफिकेशन का विंडो को ओपन कर दिया गया है दोस्तों। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अब बैठने का टाइम नहीं है, अब टाइम है दोस्तों कि आप लोग एक साथ आकर सीबीएसई बोर्ड के विरुद्ध में जो है यहाँ पर अपनी बातों को रखें दोस्तों। बच्चों के साथ जो रिजल्ट में इनजस्टिस हुआ है ये किसी भी बच्चों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। कोई भी बच्चा या कोई भी स्टूडेंट्स या पेरेंट्स जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब इसके लिए दोस्तों जरूरी है कि आप लोग अपना सपोर्ट दिखाइए दोस्तों। मैं आपको बताऊंगा वेरिफिकेशन के बारे में भी, किनको अप्लाई करना है किनको नहीं करना है। लेकिन उससे पहले आपको जरूर बता दूं दोस्तों, अब वो टाइम आ चुका है कि अब आप लोग एक साथ आइए। और ये जरूरी है दोस्तों, क्योंकि बैठकर हाथ पे हाथ धर के रहने से कुछ भी नहीं होने वाला। हमें जरूरी है कि अपनी बातों को, हम जो चाहते हैं, हमारे साथ जो इनजस्टिस हुआ है इसे देश के सामने रखें। हैशटैग दोस्तों आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस हैशटैग पे दोस्तों आप लोग ट्वीट करिए। मैं आप लोग के लिए कई सारे ट्वीट कर रहा हूं दोस्तों, तो एक एक करके सारे ट्वीट भी देखिए। इन सारे ट्वीट पे दोस्तों आप लोग रीट्वीट करिए और अपना सपोर्ट दिखाइए दोस्तों, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने एक एक नंबर से दोस्तों, एक एक नंबर से कई बच्चों के मैं कमेंट देख रहा हूं, एक एक नंबर, ये दो दो नंबर से उनको कंपार्टमेंट दे दिया है। तो सीबीएसई बोर्ड से सवाल तो यही है, क्या इन बच्चों को पास नहीं किया जा सकता था? अब दोस्तों हम बात करें तो आप लोग के लिए जो है यहां पर आप लोग के लिए जो आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, सीबीएसई बोर्ड ने दोस्तों फाइनली आपका वेरिफिकेशन का जो है लिंक को एक्टिवेट कर दिया है। यानी कि 26 जुलाई से आपका वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गया है दोस्तों, और ये 28 तक चलेगा। ये ध्यान रखिएगा, जिन बच्चों को मार्क्स कम हो गए हैं या जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि मेरे जो है 5 से 10 नंबर के बीच में मेरे नंबर कम हो गए हैं, यानी कि मेरे जो एक्चुअल में अभी जो नंबर आए हैं 45 नंबर आए हैं, लेकिन मैं जिस तरीके से पेपर दिया था या मेरे जो टर्म 1 में नंबर थे और टर्म 2 का एग्जाम जिस तरीके से किया था उस अकॉर्डिंग जो है मेरे जो है नंबर 70 या 80 आने चाहिए थे, लेकिन मेरे साथ जो है इनजस्टिस हुआ है, मेरे नंबर को कम कर दिया गया है, तो ऐसे में दोस्तों आप अपने मार्क्स को चैलेंज कर पाएंगे। सीबीएसई बोर्ड ने आज से वेरिफिकेशन का लिंक एक्टिवेट कर दिया है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, बोर्ड हो या जेई नीट, पढ़ाई में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो इसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को क्लियर करिए किसी भी समय इन जस्ट 3 स्टेप्स। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाके फिलो ऐप को इंस्टॉल करना होगा, मोबाइल नंबर से साइन अप करना होगा, उसके बाद जो भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है उस क्वेश्चंस की फोटो खींचकर या फिर टाइप करके सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के जस्ट 60 सेकंड के अंदर फिलो आपको कनेक्ट कर देगा इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ। तो प्यारे बच्चों जाइए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वहां से अपने डाउट को आउट कीजिए। साथ ही साथ वो सभी बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं जिनका 1, 2 या 3 नंबर से कंपार्टमेंट मिल गया है, या फिर अगर आपको 4 नंबर से भी कंपार्टमेंट मिल गया है और आप जो है फुल्ली श्योर है कि आपका कंपार्टमेंट तो आ ही नहीं सकता क्योंकि आपके टर्म 1 में नंबर अच्छे आए थे और साथ ही टर्म 2 का एग्जाम भी आपका अच्छा गया था, तो ये सभी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो अप्लाई करना बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आपको सीबीएसई बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से जाके अप्लाई करना है, जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। तो यहां पे जैसे ही आप लोग सीबीएसई बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, यानी कि सिंपली आपको लिखना क्या है, आप लोग को गूगल सर्च में लिखना है सीबीएसई। जैसे ही क्लिक करेंगे तो पहला वाला जो यहां पे आपका वेबसाइट आएगा वहां पे सिंपली क्लिक करिएगा तो आपके सामने जो है यहां पर जो है आपको लिंक दिख रहा है, तो इस लिंक पे आपको सिंपली जो है क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। तो यहां पे जो है आप लोग जाके फॉर्म भर सकते हैं। जो बच्चे फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत आती है तो नीचे मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको जो है एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा, आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं आपको वीडियो बना दूंगा किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म भरना है, तो उसको लेकर आप लोग के कमेंट्स होंगे तो मैं आपको वीडियो बना दूंगा। लेकिन फिलहाल आप लोग यहां पे देख सकते हैं आपके पास गोल्डन मौका है दोस्तों अपने कंपार्टमेंट को हटाने का, साथ ही साथ उन बच्चों के पास भी गोल्डन मौका है जिनको एसेंशियल रिपीट की कैटेगरी में रख दिया गया है, यानी कि उन्हें फेल कर दिया गया है, उनके पास मौका है दोस्तों कि आप 3 सब्जेक्ट में जो फेल हैं उनमें से आप 1 या 2 सब्जेक्ट में पास होकर अपने एसेंशियल रिपीट को कंपार्टमेंट में बदल के अपने 1 साल को बचा सकते हैं। तो मौका सभी बच्चों के पास बराबर है, अगर आप 100% श्योर है देन जरूर जो है आपको अप्लाई करना चाहिए। तो आई होप आपको ये चीजें तो अब समझ में आ गई होगी कि किन्हें अप्लाई करना है और किन्हें नहीं करना। आई होप दोस्तों आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और मैंने आपको बताया दोस्तों, रीट्वीट जरूर करिएगा मेरे ट्वीट पे, उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सपोर्ट दिखाइए दोस्तों, क्योंकि अब हाथ पे हाथ जो है धर कर बैठे रहने का अब वक्त नहीं है, अब मिलकर एक साथ जो है आवाज उठाने का टाइम आ गया है। तो मिलते हैं दोस्तों, अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिएगा। जय हिंद।